बिलासपुर में स्थित उत्तरी बात का सबसे प्रथम साइंस स्पोर्ट्स हॉस्टल केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया अभियान में परिवर्तित किया। इस बात का खुलासा उस दौरान हुआ जब मीडिया कर्मी साइंस हॉस्टल बिलासपुर के प्रभारी जयपाल जंदेल इससे पत्रकार वार्ता में बातचीत कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स हॉस्टल में वर्ष 1985 से लेकर वर्तमान समय तक 3 खेलों कबड्डी वॉलीबॉल और बॉक्सिंग खेल को खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। बिलासपुर में स्थित उत्तरी भारत का सबसे प्रथम साइंस स्पोर्ट्स हॉस्टल केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया अभियान में परिवर्तित किया। इस बात का खुलासा उस दौरान हुआ जब मीडिया कर्मी साइंस हॉस्टल बिलासपुर के प्रभारी जयपाल चंदेल से पत्रकार वार्ता में बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स हॉस्टल में वर्ष 1985 से लेकर वर्तमान समय तक 3 खेलों कबड्डी वॉलीबॉल और बॉक्सिंग खेल का खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, मगर इस बार मात्र 2 खेलों बॉक्सिंग और कबड्डी की ही चंडीगढ़ खेल केंद्र से स्वीकृति आई है। उन्होंने कहा कि टेलीफोनिकली अधिकारियों को वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को जम्मू में स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया आरंभ करने के आदेश मिले हैं। उन्होंने बताया कि इस खेल हॉस्टल का दर्जा अब खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत स्टेट लेवल का होगा, जो स्वीकृति उन्हें प्राप्त चंडीगढ़ खेल केंद्र से प्राप्त हुई है। उसमें कबड्डी के 25 जबकि बॉक्सिंग के 20 खिलाड़ियों की सीटें प्रशिक्षण के लिए भरने के आदेश प्राप्त हुआ है। प्रभारी जयपाल चंदेल ने बताया कि उनकी अगर कोई संस्था या स्थानीय जनप्रतिनिधि वॉलीबॉल खेल का उच्च स्तर का प्रशिक्षक उपलब्ध करवाने की बात लिखित रूप से स्वीकार करती है तो इसे वे चंडीगढ़ केंद्र को स्वीकृति के लिए प्रेषित करेंगे, जिस पर चंडीगढ़ केंद्र के प्रभारी सकारात्मक कदम उठाने में सक्षम है। उन्होंने ये भी बताया कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ प्रशिक्षक बाहरी राज्यों में साई खेल संस्था में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बिलासपुर में उनकी भी सेवाएं ली जा सकती हैं, मगर ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने ये भी बताया कि इस स्पोर्ट्स हॉस्टल से अनेक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर चुके हैं, जिसका उन्हें गर्व है। जो दिल्ली से हमारे को लेटर आया है, चिट्ठी आई है, उसमें खेलो इंडिया के तहत हमारा ये सेंटर खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर बन गया है और उसमें कबड्डी में 25 और बॉक्सिंग में 20 बच्चे इनमेट्स जो है ट्रेनी वो हम रखेंगे। ये हमें वहां से क्लियर चिट्ठी आगे लेटर आ गया है। 45 बच्चे हमारे हॉस्टल में रहेंगे। वॉलीबॉल का डिसिप्लिन, इसमें जो वॉलीबॉल कोच है प्रशिक्षक नहीं होने के कारण जो साई है अपना खेलो इंडिया सेंटर है वो उसको शिफ्ट किया जा रहा था। अभी तो टेलीफोनिकली बात चल रही है और ये जम्मू में वहाँ पे क्योंकि हमारा सेंटर है और ये डिपार्टमेंटल ही शिफ्टिंग समझो इसको वो की जा सकती है क्योंकि वहाँ पे वॉलीबॉल के प्रशिक्षक हैं। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम ये नहीं चाहते कि 6 महीने से यहाँ पे कोच नहीं है तो बच्चों को हम ऐसे ही रखें, तो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जैसा कि बच्चों ने खुद लिख के दिया है और पेरेंट्स की कंसेंट भी ली गई है कि इनको शिफ्ट कर दिया जाए, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज अभी चल रही है, कंप्लीट हो रही है। अब हेड ऑफिस क्या डिसीजन लेता है इसके ऊपर वो उनपे है। बिल्कुल किया जा सकता है, किया जा सकता है। अंकुश एक कोच है हमारे कुल्लू से है, उनकी अपॉइंटमेंट हुई है बेंगलोर में, तो उसने अपने पेरेंट्स की वो ये किया था कि मेरे पेरेंट्स दूर है, मैं उनको हिमाचल में मेरी ट्रांसफर कर दी जाए। उसने रिक्वेस्ट लेटर डाला है और डीजी साहब को दिया है दिल्ली। अब ये डीजी साहब पे निर्भर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, कि उसको यहाँ बिलासपुर में लगाए तो हमारी ये जो वॉलीबॉल का डिसिप्लिन है इसको शिफ्ट नहीं किया जा सके किया जाए। इसके लिए वो हेड ऑफिस ही डिब्यूट करेगा। वो जो हिमाचल के हैं, वॉलीबॉल एसोसिएशन ने हाल ही में कहा था कि हम निशुल्क के कोच वॉलीबॉल का साई हॉस्टल बिलासपुर को दे देंगे। हाँ, वो अगर आकर के हमारे कोई ऐसी चीज रिटर्न में दें कि लोकल अथॉरिटीज या एसोसिएशन, तो हम इसको पुट अप करेंगे, सर स्वीकार करेंगे और हेड ऑफिस को भेजेंगे।